पूरी की पूरी टीम और बल्लेबाज अंपायर जो हैं वो पेविलियन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अश्विन जो हैं वो दूसरे छोर की तरफ और ग्राउंड के दूसरी तरफ जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक राजदान है और आज एक और एक हसीन सफर पे आपको लेके चलते हैं। कहानी इस बार जो है वो दक्षिण भारत की है और हम पहुंचे हैं चेन्नई और वहां पे एक रणजी ट्रॉफी मुकाबला हुआ था, तमिलनाडु वहां पे मैच खेल रही थी और उस मैच में मौजूद थे रविचंद्रन अश्विन। ये बात कुछ आज से 5-7 साल पहले की है। अच्छी तरह मुझे याद है कि वो दिन तमिलनाडु गेंदबाजी कर रही थी और पूरा दिन अच्छी गेंदबाजी तमिलनाडु के गेंदबाज कर रहे थे, लेकिन अश्विन की गेंदबाजी में ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी। थोड़े से नाखुश भी लग रहे थे, वैसे उन्होंने ओवर तो काफी डाले उस दिन, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मानो जहां पे गेंदबाजी करना चाहते हैं वो गेंदबाजी हो नहीं रही। मैच खत्म हुआ, शाम के लगभग 5 बज जाते हैं मैच खत्म होते होते और काफी गर्मी, पूरा दिन खिलाड़ियों ने मैदान पे बिताया। तो जैसे ही मैच खत्म हुआ तो हम कॉमेंटेटर्स को थोड़ा सा रैप अप भी करना होता है, तो थोड़ा 2-4 मिनट अतिरिक्त हम मैदान पे रुकते हैं। तो ये देखा कि पूरी की पूरी टीम और बल्लेबाज अंपायर्स जो हैं वो पेविलियन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अश्विन जो हैं वो दूसरे छोर की तरफ और ग्राउंड के दूसरी तरफ जा रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ कॉमेंटेटर्स बॉक्स था, क्योंकि बिल्कुल हमारे पीछे ही अगर आपको पता हो तो MH दामदम स्टेडियम चपॉक में प्रैक्टिस पिचेस है, तो ये प्रैक्टिस पिचेस की तरफ जा रहे थे मैच खत्म होने के बाद। और वहीं बाउंड्री लाइन के बाहर सुनील सुब्रमण्यम खड़े थे, क्योंकि उस वक्त सुनील सुब्रमण्यम जो है इनके साथ एक कोच के तौर पे जुड़े हुए थे। तो हमारी कमेंट्री खत्म हुई, हम नीचे उतरे और गाड़ियों की तरफ जाने लगे, बिल्कुल प्रैक्टिस पिचेस के पास ही हमारी गाड़ियां खड़ी होती थी। तो देखा वहां सिंगल विकेट लगा के अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं और सुनील सुब्रमण्यम वहां उनको थोड़ा सा समझा रहे। तो क्योंकि सुनील सुब्रमण्यम मेरे साथ रणजी ट्रॉफी भी खेले थे जब मैं तमिलनाडु से खेलता था, तो मैंने उनसे बातचीत की कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो कह रहे अश्विन को लग रहा है कि आज उनसे बॉल अच्छी नहीं हुई और जहां टप्पा पड़ना चाहिए वहां टप्पा पड़ नहीं रहा, तो इसलिए यहां आके उस पर थोड़ा काम करना चाहते हैं, क्योंकि इस सोच के साथ वो वापस होटल नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस सोच के साथ अगर वापस होटल जाएंगे तो रात भर परेशान सोएंगे, अगले दिन सुबह फिर परेशान उतरेंगे। तो ये जो आज कुछ हुआ है इसका हल आज ही ढूंढ रहे हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और खैर ज्यादा देर हमने उनसे बात नहीं की क्योंकि हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, अश्विन और उनकी बातचीत भी कुछ चल रही थी, हम चले गए। अगले दिन सुबह मैदान में मैच शुरू होने से पहले जब मैंने सुनील सुब्रमण्यम से बात की तो उन्होंने कहा हाँ कोई आधा पौना घंटा लगा। अश्विन को लगा कि क्रीज से वो ठीक तरह से निकल नहीं रहे और बॉडी उनकी ठीक तरह से निकल नहीं रही, इसी वजह से वो टप्पा डालना ऑफ स्टंप पे चाह रहे हैं, लेकिन वो जा मिडिल और लेग स्टंप ही ज्यादा ड्रिफ्ट हो रही है। और बिल्कुल ऐसा हो भी रहा था क्योंकि उस पिच पे हल्की सी मदद थी एक ऑफ स्पिनर के लिए और टप्पा ऑफ स्पिनर ऐसी पिचों पे लगभग ऑफ स्टंप या थोड़ा सा बाहर रखता है कि घूम के दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद वहां से अंदर आए, इनकी थोड़ी सी लेग स्टंप पे ज्यादा ड्रिफ्ट हो रही थी। अब ये बात देखिए कि कितना समझने वाली एक खिलाड़ी के नजरिए से है कि जब आप को ये लगता है कि आपने कुछ अच्छा या ठीक नहीं किया है आपको उसको सुधारना कितना जरूरी है। क्या कहते हैं कि कामयाब इंसान कौन होता है? कामयाब इंसान वो होता है जो बहुत कुछ अलग काम नहीं करता लेकिन उसके काम करने का जो ढंग है वो सबसे अलग होता है। तो ये जो इन्होंने कामयाबी हासिल की या ये इस तरह की ये गेंदबाज आज बन के सबके सामने आए हैं, तो इनकी सोच देखिए बाकी सबसे कितनी अलग थी। जहां सारे खिलाड़ी थक के दिन का दिनचर्या खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में अपना पांव ऊपर करके एयर कंडीशन कमरे में बैठे होंगे, वहां अश्विन मैच खत्म होने के बाद भी आए और अपने कोच के साथ सिंगल विकेट पे आधा पौना घंटा गेंदबाजी करते रहे सिर्फ ये समझने के लिए कि आज मैच में ऐसा क्या गलत हुआ जो कल नहीं होना चाहिए। तो कुछ तो अलग करते हैं ना ये खिलाड़ी जो ये इतने महान बन जाते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ एक कबीर दास जी का दोहा है उसके साथ समाप्त करना चाहूंगा कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात सिल पर तलत निशान। तो अगर आपने इस दुनिया में अपना कोई ना कोई निशान छोड़ना है तो फिर शरीर को घिसना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना घिसे और बिना मेहनत किए कभी भी आप अपना कोई अलग एक निशान छोड़ने में कामयाब नहीं होंगे।